लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। भैया हो बताए वाला बानी कि के कहां से लड़ी चुनाव, भोजपुरी के चारों सेठ भैया कहां कहां से लड़े वाला बाड़े, पवन सिंह कहां से लड़े वाला बाड़े, बताए वाला बानी भैया। वीडियो के पूरा लास्ट तक देखी, वीडियो के लाइक करी, शेयर करी और दूसर फैन तक जरूर पहुंचा दी जा। भैया हो आज के जन खबर बाटे बेहद खास बा, काहे कि भैया भोजपुरी के चारों दिग्गज उतर गए बाड़े भैया मोदी जी के साथ चुनाव के मैदान में। जी हाँ भैया, बताए वाला बानी भैया के कहां से लड़े वाला बाटे भैया 2019 में बीजेपी के खातिर चुनाव। जी हाँ भैया, दिल थाम के बैठी। सबसे बड़ा बात ये बा भैया, भोजपुरिया शेर हमनी के भाई पवन सिंह भी लड़े वाला बाड़े चुनाव, जौन की भैया बहुत ही खास बाटे भैया बीजेपी का दी, काहे कि भैया जानते बानी बॉस के का फैन फॉलोइंग बाटे। चलिए भैया रोज सबके बता दिए कि के कहां से लड़े वाला बाटे 2019 के भैया चुनाव। सबसे पहले भैया बात कर जाओ भैया रवि किशन के, जौन की भैया भोजपुरी के सुपरस्टार बाड़े भैया, उ लड़े वाला बाड़े चुनाव भैया बता दी जौनपुर से। जी हाँ भैया, जौनपुर के सीट से भैया लड़े वाला बाड़े रवि किशन। और बात भैल भैया मनोज तिवारी जी के, जी हाँ भैया मनोज तिवारी जौन की भोजपुरिया के कर्ता धर्ता कहाले भैया हो, उ तो दिल्ली के अध्यक्ष बाड़े दिल्ली, तो भैया हो बता दी कि दिल्ली से ही लड़ी है चुनाव। अब बात रहल भैया कि निरहू जी के, जी हाँ भैया भोजपुरिया सुपरस्टार निरहू जी लड़े वाला बड़े भैया चुनाव आजमगढ़ से। जी हाँ भैया आजमगढ़ से, और दिल थाम के बैठी भैया बताए वाला बानी एकदम एक्यूरेट कि पवन सिंह कहाँ से लड़े वाला बड़े लई। ओकरा से पहले भैया लास्ट तक वीडियो के देखी भैया, पवन सिंह लड़े वाला बड़े चुनाव बता दी रो सभी के भदोही से। ऐसा खबर आ रहा बा कि भदोही से, ये उत्तर प्रदेश के भदोही जिला से भैया पवन सिंह लड़े वाला बड़े, ऐसा तो अभी तक खबर आयल बा, लेकिन भैया पुख्ता कोनो जानकारी नहीं है, ये खबर पे मुहर नहीं है, लेकिन भैया खबर भैया 70-80% सत्य बाटे। अब भैया देखे के बाद कि क्या पवन सिंह लड़ी है कि ना, लेकिन भैया आप समझ रहे कि पवन सिंह लड़े खातिर बिल्कुल तैयार बाड़े। बता दी भैया कि निरहू खातिर बहुत ही बड़ा एगो चैलेंज हुई, क्या है कि भैया निरहू के एगेस्ट में खड़ा बाड़े भैया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। तो भैया हो देखे के बाद का ये चारों दिग्गज भोजपुरी के भैया हो बीजेपी के खातिर कितना काम दे सकेले, लेकिन भैया बता दी चारों जाना के भैया फैन फॉलोइंग के तो जब बातें नहीं के भैया जहां खड़ा हो जाए लोग उसी से रास्ता शुरू होला। जी हाँ भैया, अब देखे के बाद कि मोदी जी के कितना फायदा ये लोग पहुंचा सकेला लोग, लेकिन हम तो ये कहब कि जे जे पवन सिंह के फैन बात तो जरूर पवन सिंह के सपोर्ट करी जाए चुनाव में, तो वह सबके सपोर्ट से ही पवन सिंह जीती है या रवि किशन जीती है या निरहू जीती है। उम्मीद करता नहीं भैया हो खबर काफी अच्छा लागल हो, तो भैया हो सभी खबर के फैलाई जा और दूसरा फैंस तक जरूर पहुंचाई दो। उम्मीद करता नहीं खबर अच्छा लागल हो। भोजपुरी स्टार टीम से अविनाश के रिपोर्टिंग दिल्ली, वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट कर बिल्कुल ना भुलाई।